मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। हाँ जी, आज हम क्या है जो नाइन्थ क्लास का बिहाई बुक का जो सेकंड पार्ट, जो सेकंड लेसन हमने स्टार्ट किया था, डॉबरे कॉले के द्वारा लिखा गया एवलिन ग्लैनी वाला साउंड ऑफ म्यूजिक सर के पार्ट फर्स्ट, उसका हम क्या है जो पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने थोड़े से समराइज किया था किस चीज़ को, एवलिन ग्लैनी की लाइफ के बारे में। अब जो आगे किस प्रकार से क्या है उसको आइडेंटिफाई किया, किस प्रकार से उसको हेडमिस्ट्रेस ने ये जाना कि हुआ क्या है, एक डेफ है, कम्प्लीटली क्या डेफ होती जा रही है, जब वो 11 ईयर्स की थी तब क्या उसको सजेशन दिए, उसने कहा कि आप इसको क्या एक अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाओ, और मतलब स्कूल फॉर डेफ के लिए अलग जो स्कूल है उसके अंदर क्या इसको पढ़ाओ, आप यहाँ से ले जाओ उसको। उसने एडमिनिस्ट्रेटर ने डायरेक्टली उसके पेरेंट्स को क्या डायरेक्टली के कहा। अब आगे क्या है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो पेज नंबर 18 है उसके ऊपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, ओपन योर बुक्स, आई होप यू ऑल आर लिसन अटेंटिवली, सारे के सारे क्या है अटेंटिवली होकर सुनेंगे। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव, लेकिन जो एवलिन है वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, गिव अप मतलब त्यागना, हिम्मत ना छोड़ना, लेकिन वो क्या हिम्मत हारने वालों से नहीं थी, वह क्या हिम्मत नहीं हार रही थी वो बिल्कुल भी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यूइंग हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। शी वॉज डिटरमाइंड होता है मतलब कोई चीज अगर किसी इंसान को संकल्प हो तरह से वो क्या मतलब पूर्ण अपने ऊपर विश्वास रखने वाली, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक जीवन, एक सामान्य जीवन जीने के लिए क्या है दृढ़ संकल्प कर लिया उसने। एंड परस्यू कंटिन्यू का जारी रखना, और क्या है परस्यू करना मतलब टू कंटिन्यू जारी रखना, और उसने क्या है जारी रखा है कंटिन्यू करने के लिए हर इंटरेस्ट, उसका जो उसकी जो इंटरेस्ट था दिलचस्पी थी इन म्यूजिक, उसकी जो म्यूजिक के अंदर दिलचस्पी थी वो उसने क्या जारी रखी, मतलब उसने इसको क्या गिव अप नहीं किया, जो म्यूजिक के प्रति उसकी दिलचस्पी थी उसको क्या गिव अप नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग इन जायरोफोन, एक दिन क्या उसने नोटिस किया, उसने देखा कि एक जो लड़की है वो क्या जायरोफोन बजा रही है, जायरोफोन बजाते हुए। एंड डिसाइडेड दैट, और उसने क्या निश्चय किया दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और एक दिन क्या उसने क्या देखा ए गर्ल हु वाज प्लेइंग जायरोफोन, जो जायरोफोन क्या बजा रही थी, जायरोफोन के साथ मतलब बजा रही थी, तो उसने भी क्या डिसाइड किया निश्चय किया कि मुझे भी क्या जायरोफोन बजाना है, मुझे क्या ये चीज बजानी है जो वो लड़की बजा रही थी। Most of the teachers कि अधिकांश तो ज्यादा मतलब most मतलब ज्यादा मात्रा जो अधिकांश जो टीचर थे वो क्या discouraged था, उसको क्या discouraged किया, करेक्टमेंट साथ discouraged मतलब निरुत्साहित किया, उसको निराश किया एक तरफ से, उन्होंने कहा कि नहीं या तो नहीं कर सकते हो। But percussionist होता है मतलब तबला वादक, परक्यूशनिस्ट होता है क्या है तबला वादक, आपको बोल सकते हैं परक्यूशनिस्ट एंड ड्रमर, जो ड्रम बजाता है जो क्या तबला बजाता है ड्रम बजाता है परक्यूशनिस्ट तबला वादक से बोलते हैं। रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो तबला वादक जो रॉन फॉक्स था स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसने क्या उसकी जो ताकत है उसकी जो क्षमता है उसको क्या है पोटेंशियल को पहचाना, उसकी जो ताकत है उसकी जो क्षमता है उसको पहचाना, किसने पहचाना रॉन फॉक्स, जब तबला वादक था उसका एक गुरु एक टीचर, उसने क्या उसकी जो पोटेंशियल थी जो ताकत थी उसको क्या पहचान लिया, और उसने क्या निश्चय किया क्या किया ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, ही बिगेन उसने किए शुरुआत की, बिगेन मतलब शुरुआत करना, बिगेन मतलब शुरुआत की, बट ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, दो लार्ज ड्रम बजाना शुरू किए
टू डिफरेंट नोड्स, अलग अलग प्रकार के क्या है नोड्स से, नोड मतलब अलग अलग प्रकार की जो उसकी फेस है उसके हिसाब से क्या है दो रिदम है उसके हिसाब से बजाना हमने क्या है वो हिसाब से शुरू किए। डोंट लिसन थ्रो योर ईयर ही वुड से, और उसने कहा डोंट लिसन थ्रो योर ईयर, उसने कहा किसको और अपने मिलाने का डोंट लिसन थ्रो योर ईयर कि आप जब अपने कानों से क्या है मत सुनो, आप कानों से क्या है मत सुनो। सेज ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज अर्विन को कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से क्या इसको महसूस करने की आप कोशिश करो। किसने कहा रॉन फोर्स ने कहा आप क्या अपने कानों से मत सुनो, फील इट फ्रॉम अदर वे सम अदर वे, कुछ क्या अलग दूसरे तरीके से आप इसको क्या फील करो। Suddenly I realized महसूस करना और अचानक क्या मैंने महसूस किया realize किया I could feel the eardrum from the waist up कि I could feel मैं क्या महसूस कर सकती थी the eardrum मतलब तेज आवाज मतलब ड्रम की तेज आवाज मैं महसूस कर सकती from the waist up, waist मतलब अपनी जो कमर है कमर के क्या अब ऊपर वाले भाग में क्या मैं हाई नोट को क्या महसूस कर रही हूँ। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर वन थी जो मतलब वेस्ट डाउन की जो लोअर नोट थी हायर नोट तो क्या उसकी आवाज ज्यादा आवाज तो क्या वेस्ट से ऊपर मैं सुनाई दे रहा था महसूस कर रहा और जो वेस्ट से नीचे थी मतलब लोअर वॉइस जो क्या वॉइस है जो धीमी वॉइस है वो मैं क्या जो कमर की है नीचे की तरफ क्या महसूस कर रहा था। फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्स ने क्या इस अभ्यास को इस एक्सरसाइज को रिपीट किया बार बार दोहराया। एंड सून और शीघ्र ही एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने क्या डिस्कवर किया खोजा मतलब जांचा दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कि डिस्कवर ये पता लगाया दैट शी कुड सेंस कि वो सेंस कर सकती है समझ सकती है सुन सकती है सर्टेन नोट्स उन नोट्स को उन आवाजों को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी उसके क्या जो पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी उसके जो शरीर के जो भाग थे उनके अलग अलग पार्ट्स में क्या वो महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माय माइंड, आई हैड लर्न मुझे सीखना होगा टू ओपन माय माइंड मुझे सीखने के लिए मेरे दिमाग को क्या खोलना होगा एंड बॉडी और शरीर को टू साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड इसकी आवाजों के लिए और इसके वाइब्रेशन के लिए मतलब कंपन के लिए मुझे अपना शरीर और माइंड दोनों क्या खोलना होगा। द रेस्ट वाज शियर, द रेस्ट जो बचेगा वो शियर, शियर मीन्स से प्योर, शियर मीन्स से प्योर, जो रेस्ट जो बचेगा वो क्या है बिल्कुल प्योर। द रेस्ट वाज शियर जो शेष बचा था डेटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क जो बचा था वो केवल क्या था एक मजबूत जो दृढ़ विश्वास है हार्ड वर्क और परिश्रम, और अब जो चीज बची थी वो क्या थी दृढ़ संकल्प जो उसका मतलब दृढ़ विश्वास था और जो क्या कठोर परिश्रम मतलब उसने जो एवलिन ग्लेनी ने क्या है क्या क्या चीजें महसूस की जैसे उसने क्या हाई ड्रम बजा रहा था वो जैसे रॉन फोक्स क्या है दो प्रकार के नोट उसने बजाई जैसे वो क्या हाई नोट बजा रहा था देन शी वाज फीलिंग हाफ अपर पार्ट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द वेस्ट ऑफ वी कैन से हम उसकी वेस्ट से क्या अपर पार्ट में फील करें जब वो क्या लो नोट बजा रहा था मतलब धीमी आवाज में क्या ड्रम बजा रहा था क्या वेस्ट से क्या नीचे की तरफ उसको शरीर में क्या उसको फीलिंग आ रही फील हो रहा था कुछ वाइब्रेट हो रहा था। शी नेवर लुक बैक From that point on, she never looked back. उसने क्या वापिस उस बिंदु से कभी क्या पीछे मुड़के नहीं देखा। किसने देखा पीछे मुड़के वापिस एवलिन ग्लेनी कभी वापिस मुड़के क्या नहीं देखा। She told tour मतलब टूर नहीं होता टूर जाते मतलब विजिट सी टूर मतलब उसने क्या विजिट किया उसने क्या
विजिट किया, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से, विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने क्या इंग्लैंड को भ्रमण किया एक तरह से, यूथ ऑर्केस्ट्रा मतलब वाद्य वाद्य वृंद होता है जो मतलब कई लोग मिलकर बजाते हैं मतलब प्ले करते हैं, के साथ यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया। एंड बाय द टाइम सी वाज 16 वर्ष की होने तक है, सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, 16 वर्ष के होने तक उसने क्या डिसाइड किया, निश्चय किया कि जो म्यूजिक और संगीत को क्या अपना जीवन बनाने का क्या निर्णय है, मतलब उसने क्या यूके का भ्रमण किया, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का भ्रमण किया, और 16 वर्ष की जब 16 वर्ष की होगी तब क्या है इसने निश्चय कर लिया था कि मैं म्यूजिक को क्या है अपनी लाइफ में बनाऊंगी, म्यूजिक पे सब कुछ में क्या है निछावर करूंगी। उसने स्लोट ऑफ़ मार्टिन परकसनस्ट विद मास्टर ऑफ़
इंटरनेशनल शेड्यूल और जिनके पास बहुत व्यस्त एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा व्यस्त जो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था, मतलब 1000 से ज्यादा एक्टिव एक्टिव है बिजी एक्टिव बिजी, मतलब उसका शेड्यूल इतना ज्यादा क्या है बिजी हो गया था। क्यों गया बिजी? क्योंकि 1000 से ज्यादा वाद्य यंत्र क्या कुशलता हासिल की थी, 1000 से ज्यादा वाद्य यंत्र क्या बजाना जानती आता था। इट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच एट दिन फंक्शन सो एफर्टलेस इंटरव्यू में उसे फैसिनेटिंग अट्रैक्ट करना उसे क्यूरियस इंटरेस्ट से। इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एट दिन ये क्या है एक तरह से बिना सुनने की शक्ति क्या है एवरेज को इतने सहज ढंग से संगीत बजाते हुए सुनना बहुत ही मनमोहक लगता था, एक तरह से क्या है वैसे अट्रैक्ट होता था। इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एट दिन फंक्शन सो एफर्टलेस इतने प्रयास से विदाउट हियरिंग वो गैस सुने हुए वो क्या ऐसा लगता है किस प्रकार से वो क्या मजा रही है सहज ढंग से आदमी के लिए सहज इतने आनंदित तरीके मनमोहक लगता था कि किस प्रकार से बिना सुने हो मजा रही है। इन आवर टू आवर्स डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड हमारे क्या है टू आवर दो घंटे के जो डिस्कशन के अंदर दो घंटे की जो वार्तालाप के अंदर क्या है सी नेवर मिस्ड अ वर्ड उसने कभी क्या एक शब्द भी सुनने से क्या वो नहीं चुकी मतलब उसको महसूस हुआ है। मैन विद बुशी बियर्ड एक जो आदमी था विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल सी डार्क कि जो एक इंसान एक तरह से मतलब दाढ़ी वाले इंसान है वो क्या है लोग मेरे लिए क्या कष्ट बन जाते होते हैं मेरे लिए क्या ट्रबल परेशानी बन जाती है सी डार्क और क्या हंसी और क्या जो उसे हंसी तो क्या है उसने क्या कहा उसके दो घंटे के जो इंटरव्यू के अंदर वह एक मिनट भी उसने कहा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं सोचा वर्ड जो उसने कहा उसके समझ में नहीं आया वो उसको क्या रहते हो। ओके बेटा आज के लिए हम क्या इतना ही करेंगे आगे जो क्या है इसके अगली प्लानिंग क्या है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जितना भी चैप्टर होता है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे उसको फिनिश करेंगे। ओके हैव अ नाइस डे अच्छे तरीके से पढ़ाई करो।